हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। मैंने सोचा क्यों ना, देखो कल मैंने वीडियो बनाई थी, ये जो DRL या फॉग लैम्प कुछ भी कहें, तो वो जो फिट करी थी, मैंने सोचा एक रात की कैसा व्यू आता है वो भी वीडियो बनाऊंगा, स्पेसिफिक रात की। तो अब देखो आप रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ये दोनों साइड, और इतनी सही फिटिंग है कि जो फॉग लैम्प काम करता है, मतलब शोल्डर पे फोकस करने का। आप ये देखो, बिल्कुल सामने हमारा क्या काम करेगी, हमारी लाइट काम करेगी। देखो सेंटर में ये, ठीक है, यहां आ गई अपनी ये लाइट, अभी ये बीम पर है, ये हो गई अपनी डिपर में, मतलब लो पर। तो अब आप ये देखो, मतलब जो हमारा शोल्डर रह जाते हैं ना यहाँ कॉर्नर में, ये देखो ये कितनी अच्छी तरह से लिट अप हो रहा है। अगर मुझे किसी भी तरह से यहाँ साइड में प्रॉब्लम, जैसे कोहरा है, कोहरे में मुझे, हालांकि व्हाइट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती जितना जो हमारा ये वाला कलर होता है, वार्म टेम्परेचर कलर होता है, लेकिन फिर भी आप ये देखो कुछ नहीं से कुछ बेटर है कि यहां पर पूरा का पूरा फोकस जो है वो शोल्डर पे आ रहा है। और आप देखो कितना सही लग रहा है, मैं लाइट बंद करता हूं एक बार, ये देखो कितना सही लग रहा है यार, बहुत सही लग रहा है। और यहां पर ये जो हमारी साइड्स है, यहीं पर ही प्रॉब्लम रहती थी, इश्यूज रहते थे, और अब ये इश्यू कम से कम, जैसे फॉग लैंप का भी इसमें स्लॉट नहीं दिया हुआ था, इसमें जो भी जगह थी वो केवल DRL के लिए थी, लेकिन जो हमारी कंपनी फिटेड आती है वो लाइट तो क्रिएट करती है, इल्यूमिनेशन क्रिएट करती है, लेकिन थ्रो नहीं करती, क्योंकि उसके आगे डिफ्यूजर लग रहा है, ठीक है। और डिफ्यूजर क्या होता है, वहीं के वहीं अंदर जो लाइट क्रिएट हो रही है उसी को वहीं डिफ्यूज कर देता है, जिससे सामने से काफी ज्यादा इल्यूमिनेशन दिखता है। लेकिन इसमें जो सामने लेंस लग रहा है, अंदर का रिफ्लेक्टर और लेंस बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, जिसकी वजह से थ्रो आपको मिल रहा है। और यहां पर देखो 12 वाट की एक लाइट है, मतलब इधर 12 वाट हुए, इधर 12 वाट हुए, 6 LED हैं, एक एक LED 2-2 वाट की है, और जिसकी वजह से 12 वाट की टोटल एक यूनिट है। आप देखो बहुत सही लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा गाड़ी आगे चलाता हूं और आपको दिखाता हूं। अभी फिलहाल ये ऑथेंटिकेशन की ये, क्योंकि कल फिटिंग करी थी तो रिसेट हो ही जाता, आपको पता है, बैटरी के टर्मिनल निकाल के। तो अभी इसको डाल दूंगा मैं, कर दूंगा, मैंने कल से ध्यान नहीं दिया था, मैं अभी वीडियो बनाने आया तो देखा मैंने ये हाल था। तो अब आप देखो कितना सही लग रहा है कि दोनों साइड में मेरे को अलग से लाइटिंग दिख जा रही है, बीच में हमारा, क्योंकि मैं बीच वाली लाइट को व्हाइट नहीं करूंगा। बहुत लोग बोलेंगे कि भैया इसमें भी HID LED लगा लो, भाई अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन जो हमारा काम है, यूजफुलनेस क्या है, मैं उसे ज्यादा प्रिफर करता हूं, आपको पता ही है। तो लुक्स जरूर बढ़ जाएंगे, एनहेंस हो जाएंगे उस व्हाइट लाइट से, सब कुछ सेम हो जाएगा, लेकिन जो असल उसका पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। मैं एक बार बाहर से दिखाता हूं आपको कि कैसा लग रहा है। ये देखो लाइट सामने कितने सही लग रही है। अब बिल्कुल फ्रंट से मैं दिखाता हूं व्यू, वाह बहुत सही लुक आ रहा है। ये देखो यहां जहां लाइट आनी चाहिए फोकस वहीं पर ही है फॉग लैंप का, और बाकी लाइट का फोकस यहाँ पर है। अभी मैंने लोबी में, तभी केवल प्रोजेक्टर जल रहे हैं ये, अभी मैं इनको भी बंद करता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ आपको। अभी गाड़ी भी ठंडी है, ये देखो टेम्परेचर भी नहीं है, अब यहाँ से केवल सामने ही सामने, ये देखो अब केवल वहाँ ऊपर पार्किंग लैंप जल रहे हैं, और नीचे लाइट का फोकस देखो आप कितना सही लग रहा है, थंबनेल के लिए अच्छा है फोटो। बहुत सही आ रहा है, मैं सीरियसली खुश इसीलिए हूँ क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला यार। OEM भी थ्रो नहीं देता, सिर्फ वहीं डिफ्यूज़ हो जाती है लाइट। यहाँ पर आपको एक एक LED क्लियर दिख रही है, वो क्लियर इसीलिए दिख रही है अंदर से LED, क्योंकि जो आगे का लेंस है वो डिफ्यूज़ नहीं है, वो क्रिस्टल क्लियर है। और ये देखो आपको LED दिख रही है, क्या सेट है यार। तो मैं इसीलिए स्पेसिफिक वीडियो बना रहा था। अभी ऐसा करते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं और नज़ारे लेते हैं राइड के, और साथ के साथ इसकी यूजफुलनेस क्या है वो भी दिख जाएगी आपको। तो बिना कट के रख रहा हूँ मैं, कोई कट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही रख रहा हूँ जैसे आप ही के साथ ही बैठा हूँ, आप ही के साथ ही चल रहा हूँ। केवल लाइट नहीं है, अगर इस पर भी लुक बहुत अच्छा आ रहा है, केवल अगर इसी तरह से मैं लेकर चलूँ तो बढ़िया लुक के साथ। शाम को गेड़ी वेड़ी जब मारते हैं तो वो भी एक अच्छा सा लुक देती है, हालांकि अब इतनी तो उसकी है लाइटिंग है कि नॉर्मली दिन में भी बहुत अच्छे से लाइट देती है, लेकिन अब देखो लाइट के भी क्या कहने। अभी इसको एक इधर और रोड है, वो भी बिल्कुल अंधेरी रहती है, इस समय लाइट नहीं आ रही है, सही था मैं तभी एकदम से लेकर आ गया, क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही थी, इसी ऐसे अंधेरा अंधेरा हो रहा है मोहल्ले में।
और ये देखो दोनों साइड में आपको जो जो व्हाइट दिख रहा है, और ये इसमें मेरे कैमरे में एक्चुअली M51 मैंने लिया था, मेरे पास है। इसमें कैमरे में थोड़ा सा टिंट हो जाता है, मैंने आपको एक रिव्यू भी बताया, जो एक्चुअल कलर होते हैं वो एक्चुअल कलर नहीं दिखाता। तो इसलिए कल कई लोगों ने बताया कि भैया थोड़ी ब्लू शेड आ रही है, किसी में ग्रीन शेड आ रही है, इसमें भी मुझे दिख रहा है इस समय ब्लू, बहुत पर्पल जैसी लाइट लग रही है, लेकिन वो ऐसी नहीं है एक्चुअल में, ये ऐसी नहीं है एक्चुअल में, बहुत बहुत हल्का सा आपको टिंट दिखेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल जैसे व्हाइट होती है, बिल्कुल व्हाइट नहीं, हल्का सा कूल टेम्परेचर है इसका। और इसको बंद करता हूँ, ये देखो अब ये है यहाँ पर ऐसी लाइटिंग, फॉग लैंप के लिए तो बहुत सही है। ये देखो अब मैं बिल्कुल सेंटर में चल रहा हूँ रोड के, तो दोनों शोल्डर देखो, यही काम होता है फॉग लैंप का, हमारे जो सामने की विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, जो सामने आ रहा है उसे बहुत तेज लाइटिंग दिख रही होगी, और जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत बढ़िया हो रही होगी। अब मैं दूर से थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है, इसे करते हैं हम अनलॉक, थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ, अभी बीच में ही खड़ी कर दी है, कोई बात नहीं। ये देखो अभी और दूर चलते हैं अपने, तो अब इतने दूर से अगर देखें, दूर से अगर कोई गाड़ी आ रही है, और कोई क्या अपनी अगर गाड़ी आ रही है, तो इस तरह का लुक दे रही है ये, कितना सही लग रहा है। अभी ये गाड़ी जरा निकल जाए यहाँ से, इस तरह की आपने कहीं और देखो, कहीं भी लेफ्ट और राइट में कहीं पर भी कम ज़्यादा लाइटिंग नहीं दिख रही, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सेट है लाइटिंग, बहुत सही यार। खुशी मुझे इसीलिए हो रही है क्योंकि भाई 1.25 साल वेट करा इसके लिए, और वेट करने के बाद जब आउटपुट ऐसा मिलता है तो क्या ही कहने। फिर चलते हैं, फिर दोबारा वापस घर की तरफ ही ले चलता हूँ गाड़ी को, क्योंकि भाई मज़ा तो पूरा आ गया है लाइट में। बढ़ाते हैं गाड़ी को, एक टेंशन तो खत्म हुई कोहरे वगैरह में, साइड में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ भी किसी भी तरह के 100 चीजें होती हैं। और रात को बहुत लोग कह रहे थे यार जो OEM आती है ना, ओरिजिनल जो आती है, वो हेडलाइट ऑन करते ही ऑफ हो जाती है, बिल्कुल यही फीचर है उसका। जब हेडलाइट बंद होंगी हमारी, मतलब लाइट जैसे ही ऑन होंगी हमारी मेन लाइट्स, तभी वो DRL जो है वो ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही वो ऑफ करेंगे तुरंत DRL ऑन हो जाएंगी। तो यही फंक्शन था उनका, डिम भी नहीं हो तो बिल्कुल बंद हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमने अलग से स्विच लगाया है, अपने हाथ में है, जो भी करना है हमें, अगर हमें बंद करनी है तो हम बंद कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, अगर हमें चालू करनी है तो हम चालू कर सकते हैं। सही है, बाहर से लुक भी अच्छा लग रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया ही कि कितना सही लुक आ रहा था। तो बस इतना ही था, मैंने सोचा यार एक छोटी सी गेड़ी ले लूं, कल तो वो ले नहीं पाया क्योंकि कल यार काम ही काम करते हुए रह गए, एक छोटा सा राउंड ले लूं कॉलोनी में और आपको दिखा भी दूं कि कैसा लुक आ रहा है। और इतना ही रखता हूं यहां पर ही, एक रोक के जरा थंबनेल ले लेता हूं, मैंने अभी लिया नहीं है, फोटो नहीं लिया है, तो इतना ही रखता हूँ इसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जो प्रोडक्ट है वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्त का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को, और अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेल कर दो मेरे को SanskariSumit@gmail.com पर। जय हिंद।